हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहां हम टटोलने वाले हैं देओल परिवार का घर। जी हां, देओल परिवार के घर से लेकर के देओल परिवार के रिश्तों तक आखिर किस तरीके से अनबन हो रही है और क्या चल रहा है इन दिनों बॉलीवुड के गलियारों में, इस बात पर करेंगे चर्चा। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही हॉट होने वाला है, क्योंकि ड्रीम गर्ल का बर्थडे जो है, जी हाँ, ड्रीम गर्ल का बर्थडे कल सेलिब्रेट किया गया, जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार पहुंचे थे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। सलमान खान से लेकर के रेखा, जया बच्चन, रानी मुखर्जी जैसे बड़े के कलाकार पहुंचे, और धर्मेंद्र तो उनका तो आना बनता ही है। लेकिन खास बात ये रही कि देओल परिवार इस बार एक साथ नहीं आया। जी हाँ, याद कीजिए कि जब गदर 2 की स्क्रीनिंग होने वाली थी तो कैसे बच्चे देओल खानदान के एक साथ नजर आए थे। जहां हेमा मालिनी की दोनों बेटियां दिखी थी तो धर्मेंद्र के दोनों बेटे भी नजर आए थे। कहा यह जा रहा था कि दोनों के परिवार में ऑल इज वेल है, लेकिन हेमा मालिनी के इस इवेंट में, इस पार्टी में जो कुछ भी तस्वीरें देखने के लिए मिली, इसके बाद ये कहने के लिए नहीं बन रहा कि क्या सच में देओल परिवार में ऑल इज वेल है। दरअसल हेमा मालिनी के बर्थडे पार्टी में हेमा की दोनों बेटियां पहुंची, धर्मेंद्र भी पहुंचे, लेकिन कहा जा रहा है कि इनविटेशन नहीं मिला था तो सनी देओल और बॉबी देओल को। आखिर इसके पीछे की क्या वजह रही और क्या ये अनबन, क्या ये नाराजगी आज भी जारी है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी 75 साल की हो गई है। बीते दिन उनका 75वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया, जहां ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें बी टाउन के तमाम स्टार्स मौजूद थे। हेमा मालिनी की बर्थडे पार्टी में जहां सलमान खान पहुंचे तो वहां जया बच्चन ने भी शिरकत की। रेखा, रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ, आयुष्मान खुराना सहित बॉलीवुड के कई नामचिन चेहरे इस पार्टी में शिरकत कर रहे थे। तो वहीं हेमा मालिनी के अपने परिवार से पति धर्मेंद्र और दोनों बेटियां आई थी। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान अगर खींचा तो वो इस बात ने कि हेमा मालिनी की बर्थडे पार्टी में ना तो सनी देओल नजर आए और ना ही बॉबी देओल इस पार्टी में मौजूद रहे। अब सवाल ये बनने लगा कि क्या हेमा मालिनी और देओल परिवार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या सौतेले बेटे के साथ आज भी हेमा मालिनी का व्यवहार वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था? दरअसल हाल में ही हेमा मालिनी ने ये दावा किया था कि उनके और उनके सौतेले बेटे सनी देओल के बीच में सब कुछ ठीक है और वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता शेयर करते हैं। इसके बाद ही सनी देओल पार्टी में मौजूद नहीं हुए, ये एक बड़ा सवाल बनता है। अब ऐसे में लोग अलग अलग तरीके के कयास लगाने शुरू कर चुके हैं। लोगों का कहना है कि सनी देओल को इनवाइट ही नहीं किया गया होगा, तो वहीं बॉबी देओल के लिए भी यही ख्याल है। क्या सच में सनी देओल को इनवाइट नहीं किया गया? क्या बॉबी देओल सच में जानबूझ करके नहीं पहुंचे? जब इसको टटोलने की कोशिश की तो सोर्स से एक खुलासा हुआ। एक सोर्स ने बताया कि सनी देओल का निश्चित तौर पर निमंत्रण था, सनी देओल को इनविटेशन भेजा गया था, लेकिन वो किसी काम के चलते नहीं आए। अब ये बात कितनी सच्ची है या फिर इसमें किसी राज को छुपाने की कोशिश की गई है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, जब सनी देओल इस इनविटेशन के बारे में खुद खोल करके बातें करेंगे। क्या सच में हेमा मालिनी की बर्थडे पार्टी में सनी देओल को इन्विटेशन दिया गया है या फिर ये महज इन तमाम चीजों को ढकने की कोशिश की जा रही है? हेमा मालिनी और सनी देओल के बीच में सब कुछ ठीक है, इसके बाद तो हेमा मालिनी और सनी देओल के रिश्ते पर सवाल उठना ही नहीं चाहिए था। लेकिन हेमा मालिनी का ये 75वां जन्मदिन इन तमाम कयासों को एक बार फिर से पैदा करता हुआ नजर आ रहा था, जहां देओल परिवार एक बार फिर से दो पार्ट में बढ़ चुके हैं। जहां एक पार्ट में धर्मेंद्र की पहली पत्नी और दोनों बच्चे आते हैं, तो वहीं दूसरे पार्ट में हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां आती हैं। धर्मेंद्र इन दोनों को ही बैलेंस करके चलते हैं और यही वजह है कि धर्मेंद्र के साथ कभी ऐसी अनबन नजर नहीं आती है। फिलहाल बात करें अगर इनविटेशन पर, तो इनविटेशन भेजा गया है ये तमाम लोगों की जानकारी जो है वो सामने आई है। बता दें कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बड़ी अदाकारा हेमा मालिनी के बर्थडे पर वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके वजह से इस बर्थडे पार्टी पर सनी देओल को इनविटेशन दिया ही नहीं गया है।
सनी देओल ने अपने बेटे करण देओल की शादी में हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों को नहीं बुलाया था। यही वजह लोग मान रहे हैं कि अब बर्थडे पार्टी में हेमा मालिनी ने भी अपने सौतेले बेटों को नहीं बुलाया है। गौरतलब है कि देओल फैमिली के बीच में झगड़ा तब सामने आया था जब सार्वजनिक तौर से अपनी बेटी ईशा देओल से धर्मेंद्र ने माफी मांगी थी। धर्मेंद्र ने कहा था कि वे उन्हें और उनके परिवार को वो सम्मान नहीं दिला पाए जिनके वो हकदार थे, क्योंकि उन्हें सनी देओल के बेटे की शादी में नहीं बुलाया गया था। इसके बाद सनी देओल की फिल्म गदर 2 की सक्सेस पार्टी में ईशा और अहाना शामिल हुई थी। फिर लोगों को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जैसे ही बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं हुए तो वैसे ही अब कयासबाजी लगाई फिर से शुरू कर दी गई है। बता दें अब लोग सनी देओल और बॉबी देओल के ना आने पर हेमा मालिनी से जहां सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हेमा मालिनी का एक पुराना बयान सामने आ रहा है जिसमें हेमा मालिनी ने भर भर करके सनी देओल की तारीफ की थी और बताया था कि कैसे उनके मुश्किल वक्त पर केवल सनी देओल उनके लिए खड़े रहते हैं। ये भी कहा था कि उनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। ईशा देओल ने भी बताया था कि वो हमेशा ही अपने भाई को राखी बांधती हैं और उनके भाई सनी देओल उनके लिए पिता के समान हैं जो हमेशा उनका सपोर्ट करते हैं। भले ही वो हमसे मिलने के लिए कभी कभी आते हों या फिर वो हमारे घर पर ज्यादातर ना आते हों, लेकिन हम सभी आज भी एक साथ हैं और देओल परिवार हमेशा ही एक साथ इसी तरीके से रहेगा। बता दें कि इन तमाम दरार के बीच में जो सबसे बड़ी विलन है वो सनी देओल की माँ को बताया जाता है। कहा यह जाता है कई लोगों की ओर से कि अब सनी देओल की माँ को इसमें अपना हस्तक्षेप करना चाहिए और हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को इस पूरे मामले में माफ कर देना चाहिए ताकि ये परिवार एक बार फिर से एक साथ रहे। बता दें कि ना तो हेमा मालिनी कभी सनी देओल की माँ से मिली हैं और ना ही सनी देओल की माँ कभी हेमा मालिनी से मिलना चाहती हैं, ना ही उन्हें स्वीकार करना चाहती हैं। यही वजह है कि आज तक हेमा मालिनी अपने ससुराल नहीं गई हैं। भले ही उनकी शादी क्यों ना हो गई हो, लेकिन आज तक शादी के इतने साल बाद भी वो ससुराल में नहीं गई, बल्कि उन्होंने अपना ही एक आशियाना खड़ा किया और अब उस आशियाने में उनके साथ उनकी दोनों बेटियों की जगह है। हालांकि धर्मेंद्र अपनी पत्नी के साथ मुलाकात करने उनके साथ वक्त बिताने आते जाते रहते हैं, लेकिन वो भी अपना ज़्यादातर वक्त अपनी पहली पत्नी को और साथ ही अपने दोनों बेटों को ही देते हैं। यही वजह है कि धर्मेंद्र की अब दूसरी शादी करने पर भी लगातार ट्रोलिंग होती है और इस शादी को लेकर के कई लोगों की अलग अलग चौंकाने वाली प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हैं। खैर, ये तो बात रही हेमा मालिनी और सनी देओल के रिश्तों पर और साथ ही आपने जाना कि और इस पार्टी में क्या क्या हुआ। फिलहाल हेमा मालिनी अक्सर सनी देओल का साथ देते हुए नजर आती हैं। हाल में ही उनकी जो फिल्म रिलीज हुई थी गदर 2, उसको लेके भी हेमा मालिनी ने तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए थे और साथ ही हेमा का कहना है कि हम एक पर्सनल परिवार हैं जिसकी बातें अंदर ही सीमित रहती हैं। हम बाहर बातों को अपने लेकर के नहीं जाते, अपने रिश्तों को नहीं लेकर के जाते हैं। यही वजह है कि लोग हमारे बारे में कुछ गलत सोच लेते हैं, लेकिन जब तस्वीरें ही ऐसी आएंगी तो भला लोग गलत कैसे नहीं सोचेंगे। आप कमेंट करके आप भी बताइए कि आपको इन तस्वीरों पर क्या कहना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें नेक्स्ट 9।